Hello everyone. Welcome to Learn Law. Today we will have a look at the topics that is cognizable offences, non-cognizable offences, payable offences and non-payable offences in brief. So let me tell you before we start that there are total four eighty four sections and thirty seven chapters in CrPC. So now let us start with our first topic that is bailable offences. Toby ki CRPC bailable offences Bailable offence in section 2A of CRPC defines bailable offences as the offence that has been shown in the first schedule as bailable or which is made bailable by any other law for the time being in force. The first schedule of the CRPC is divided into two parts. wherein the first part deals with the offences given under IPC and the second part deals with the offences under other laws. हमारे section 2A of CRPC से clearly ये define नहीं हो रहा है मतलब first two paragraphs में ये clearly define नहीं है कि bailable offences बोलते किसको हैं हमारे first paragraph में बस इतना बता रहा है कि वो offences जो first schedule में दिए गए हैं वो bailable हैं या फिर जो एनी अदर लॉ में दिए गए हैं जिनको बाकी लॉज के हिसाब से बेलेबल कह दिया गया है तो वो ऑफेंसेस बेलेबल हैं पर कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है ये इसमें डिफ़ाइन नहीं है और फ़र्स्ट केड्यूल क्या है वो भी हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चलेगा फ़र्स्ट केड्यूल जो है वो सीआरपीसी का दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पहला पार्ट जो है वो आईपीसी के अंदर दिए गए ऑफेंसेस से डील करता है और जो सेकेंड पार्ट है वो डील करता है ऑफेंसेस अंडर अदर लॉस कोई और लॉस से रिलेटेड अब ये बता रहा है कि एज पर द लास्ट आइटम ऑफ द फर्स्ट केड्यूल एन ऑफेंस इन ऑर्डर टू बी बेलेबल हैव बी एन ऑफेंस विच इज पानिशेबल विथ इम्रिजनमेंट फॉर लेस देन थ्री ईयर्स और विद फाइन ओनली सम ऑफ द कॉमन बेलेबल ऑफेंसिस आर सिंपल हर्ट दैट इज आई पी सी सेक्शन थ्री थर्टी सेवन ब्राइबरी सेक्शन वन सेवेंटी वन आई पी सी पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन टू नाइन्टी आई पी सी डेट बाई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट सेक्शन थ्री हंड्रेड फोर एफ आई पी सी अब हमारे सेक्शन के जो लास्ट पैराग्राफ थे उससे हमको ये समझ में क्लियरली आ गया है कि किन किन ऑफेंसिस के लिए हमें बेल मिल सकती है कौन कौन से ऑफेंसिस बेलेबल हैं इसको एक बार सिंपल सेंटेंस में बता देती हूँ जो फर्स्ट कैड्यूल है उसमें यह बताया गया है कि वो ऑफेंसेस बेलेबल हैं, उन ऑफेंसेस के लिए बेल मिल सकती है जिनका पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है लेकिन तीन साल से कम है या फिर सिर्फ और सिर्फ फाइन है ओनली फाइन तो उन केसेस में आपको बेल मिल सकती है कोर्ट से दिस वॉज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बेलेबल ऑफेंस Let's move on to our next slide. As per section 436 of CrPC, whenever a person accused of a bailable offence is arrested without warrant and is prepared to give bail, such person shall be released on bail. The discretion to decide the bail amount is with the court or with the officer as the case may be. In order to apply for a bail in the case of a bailable offence, the person needs to fill a form ऑफ़ बेल दैट इज फॉर्म नंबर फोर्टी फाइव विच इज़ गिविन इन द फर्स्ट कैड्यूल एंड अप्लाई फो बेल एंड द कोर्ट विल हैव टू ग्रांड बेल अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो सेक्शन फोर थर्टी सिक्स ऑफ सी आर पी सी है वो बेल से रिलेटेड है हम बेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में लेकिन यहाँ पर बेलेबल ऑफेंसिस को डिफाइन करना है तो इस सेक्शन को यहाँ पर एड किया गया है सेक्शन 436 जो है वो सीआरपीसी का ये बता रहा है कि अगर किसी इंसान ने किसी एक्यूज़ ने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है और वो अरेस्ट हो जाता है वो भी बिना वारेंट के और उसको प्रिपेयर कर दिया गया है कि उसको बेल मिलेगी उस इंसान को बेल पे रिलीज़ किया जाएगा प्रिपरेशन हो चुका है कि उसको बेल मिलेगा क्योंकि उसने बेलेबल ऑफेंस किया है और वो बिना वारंट के अरेस्ट हो चुका है तो ऐसे में उस इंसान को बेल प्रोवाइड की जाएगी और उस एक्यूज़ को बेल क्यों मिलेगी क्योंकि उसने बेलेबल ऑफेंस किया है फिर दिया है कि जो डिस्क्रीशन है जो बेल अमाउंट है वो कोर्ट डिसाइड करेगी या जो भी उसका ऑफिसर इंचार्ज है वो डिसाइड करेगा एज़ द केस में बी जैसा का केस रहेगा उस हिसाब से या तो कोर्ट डिसाइड करेगी या तो वो ऑफिसर जो इंचार्ज है हमारा लास्ट पैराग्राफ ये बोल रहा है कि अगर आपको बेल लेना है किसी बेलेबल ऑफेंस में किसी बेलेबल केस में तो जो पर्सन है उसको एक फॉर्म फिल करना होगा बेल का दैट इज़ फॉर्म नंबर फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव फॉर्म को फिल करेगा और जो कि फ़र्स्ट केड्यूल में दिया गया है फॉर्म नंबर फोर्टी फाइव फर्स्ट केड्यूल में दिया गया है फिर वो पर्सन उस फॉर्म को फिल करके अपने बेल के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट उसको बेल ग्रांट करती है आई होप बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं वो समझ आ गया होगा क्लियरली सिंपली अगर इसको समझें तो बस इतना समझना है कि वो इम्प्रिजनमेंट वो पनिशमेंट जो तीन साल से जिसकी सज़ा कम होती है वो बेलेबल ऑफेंसेस होता है या वो पानिशमेंट जिसमें सिर्फ फ़ाइन है ओनली फाइन तो वो बेलेबल ऑफेंसेस में आता है Okay so let's move on to a next slide that is non bailable offences. Non bailable offence as per section 2A of CrPC non bailable offence includes all those offences which are not included in bailable offence in the first schedule. Further the first schedule in its second part at its end has defined non bailable offence as the offences which are punishable with death. इम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रजनमेंट फॉर मोर देन सेवन ईयर्स ओके तो सेक्शन टू ए जो है वो सी आर पी सी का नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है इसमें यह बोला गया है कि वो सारे ऑफेंस जो कि बेलेबल ऑफेंस फर्स्ट कैड्यूल में इंक्लूड नहीं किए गए हैं वो सारे ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं वो ऑफेंस जो बेलेबल ऑफेंस फर्स्ट स्केड्यूल में इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं इंक्लूड नहीं किए गए हैं वो सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल में आते हैं फर्दर जो फर्स्ट स्केड्यूल है वो अपने सेकेंड पार्ट के एंड में ये डिफाइन कर रहा है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो वो ऑफेंसेस हैं जो कि पानिशेबल हैं विद डेथ इम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ और वो पनिशमेंट्स जो कि जिनकी सज़ा सात साल से ज़्यादा की है तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी हम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वो ऑफेंसेस जो कि बेलेबल ऑफेंस में डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं नहीं इंक्लूड किए गए हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट जिनकी सज़ा सात साल से ज़्यादा की है या जिस ऑफेंस में पनिशमेंट डेथ की है या ऐसे ऑफेंसेस जिनमें सज़ा लाइफ इम्प्रजनमेंट की दी गई है ये सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं जिसमें आपको कोर्ट बेल ग्रांट नहीं कर सकती है लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें कोर्ट हमें ग्रांट कर देती है बट इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेज एंड कंडीशन ऑफ द केस अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अ पर्सन एक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस doesn't have right to be released on bail but the bail can be granted at the discretion of the court subject to certain conditions given in section 437 of crpc if a person is arrested on accusation of commission of any non bailable offence then the person will not be released on bail if there appears a reasonable ground that the person is guilty of an offence punishable with death और इम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ अ पर्सन एक्यूज विद एन ऑफेंस पानिशेबल विद डेथ और इम्प्रजनमेंट ऑफ लाइफ कैन बी रिलीज ऑन बेल इफ़ द पर्सन इज़ बिलो द एज ऑफ सिक्सटीन ईयर्स तो अब इसको थोड़ा ईजी वे में समझ लेते हैं अपने पिछले स्लाइड में मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि बहुत से ऐसे केसेज होते हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं लेकिन कोर्ट उनको बेल ग्रांट कर देती है वही चीज़ें सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में हमें क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है इसमें सिंपली ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन पे एक्यूजेशंस है नॉन बेलेबल ऑफेंस के तो वो पर्सन जो है वो बेल पे रिलीज़ नहीं किया जा सकता है लेकिन ये प्रूफ होना चाहिए कि रीज़नेबल ग्राउंड्स होने चाहिए कि जो पर्सन है वो गिल्टी है कि उसने वो ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा डेथ है या एम्प्रजनमेंट ऑफ लाइफ है तो उसको बेल नहीं मिलेगी लेकिन अगर उस पर एक लगे हैं कि उसने ऐसे कोई ऑफेंस की है जिसकी सज़ा डेथ है या एम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ है उम्र कैद की सज़ा है तो वो बेल पे रिलीज़ किया जा सकता है अगर उसकी उम्र सोलह साल से कम है या अगर वो एक विमेन है या कोई बीमार इंसान है या कोई इनफॉर्म पर्सन है तो इन कंडीशंस पे कोर्ट जो है वो बेल ग्रांड कर देती है या अगर ये कुछ ऐसा प्रूफ होता है कि ये रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं हैं किसी पर्सन पे ये एक्यूजेशन लगाने के जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ऐसे एक्यूजेशन अगर लगाए गए हैं लेकिन ये प्रूफ हो जाता है कि ये ग्राउंड जो हैं वो रीज़नेबल नहीं हैं तो भी सामने वाले को आ, जो एक्यूज़ है उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है बेलेबल और नॉन बेलेबल हमें क्लियर हो चुका होगा अब तक तो आप जानते हैं कि कॉग्निजिबल ऑफेंसेस क्या होते हैं अ कॉग्निजिबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर एज पर द फर्स्ट कैड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स कैन अरेस्ट द कन्वेक्ट विदाउट अ वॉर एंड कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट काग्निजल ऑफेंसिस आज जनरली हिन्स And serious in nature, such as murder, rape, kidnapping, theft, dowry, death, etc. The first information report FIR, is registered only in cognizable crimes. Under section 154 CRPC, a police officer is bound to register an FIR in case of a cognizable crime. He can also conduct some kind of preliminary inquiry before registering the FIR. इन दीज ऑफेंसेज द कन्विक्टज़ अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर द मेजिस्ट्रेट इन द स्टिप्यूलेट टाइम ओके तो गाग्नजल ऑफेंस ये बोल रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो उसके पास ये पावर है कि वो कन्विक को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के और उसको ये भी पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकता है बिना कोर्ट के परमिशन के कॉग्निजल ऑफेंसिस जो होते हैं वो बहुत ही हनस और सीरियस क्राइम्स होते हैं तो इनका नेचर ना कुछ सीरियस सा होता है जैसे कि सच एज मर्डर या रेप हो गया या किडनेपिंग थेफ्ट डाउरी डेथ तो ये जो है वो हिन्नस क्राइम्स और सीरियस क्राइम्स हैं इनका नेचर बहुत सीरियस रहता है तो इसमें पुलिस को ये पावर है कि वो कन्व्रिक को बिना किसी वॉरेंट के अरेस्ट कर सकते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं बिना कोर्ट की परमिशन के और जो एफआईआर होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वो सिर्फ काग्निजल क्राइम्स के लिए ही रजिस्टर किया जाता है जो सेक्शन 154 है सीआरपीसी का उसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस है ऑफिसर होते, है, होते हैं वो बाउंड होते हैं एफ़ रजिस्टर करने के लिए काग्निजिबल क्राइम्स में जो काग्निजिबल क्राइम्स हैं उनमें उनको एफआईआर करना ज़रूरी है अगर कोई आता है उनके पास तो एफआईआर कराने वो जो है वो अगर एफआईआर करते हैं और एफआईआर करने के पहले पुलिस ऑफिसर ये चाहता है कि वो एक छोटी मोटी सी इंक्वायरी कर ले तो वो एफआईआर रजिस्टर करने के पहले एक छोटी सी इंक्वायरी भी कर सकता है और जो ये ऑफेंसेस हैं इनमें जो कन्विक्ट को अरेस्ट किया जाता है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और वो भी एक स्टिपुलेटेड टाइम में जो टाइम मैंशनड है उस टाइम के दौरान ही उस कन्विक को कागनीजिबल ऑफेंसिस में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है अब हमारे नेक्स्ट साइड पर चलते हैं जिसमें की पॉइंट्स दिए हुए हैं काग्निजल ऑफेंसेस के सो कॉग्निजल ऑफेंसेस आर दोज वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एंड सच केसेस आफ्टर अरेस्ट हैज़ बीन मेड the accused will be produced before a magistrate and he may require the police officer to investigate the matter after investigation if the case is made out that is charge sheet filed goes against accused the magistrate can order for arrest during the pendency of trial bail application can be moved before the concerned magistrate cognizable offences are both bailable and non-bailable ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं ये बेलेबल भी होते हैं और नॉन बेलेबल भी होते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज़ द ऑफेंस लिस्टेड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द आई इंडियन पेनल कोड एंड इज बेलेबल इन नेचर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं नेचर से In case of a non cognizable offense, the police cannot arrest the accused without a warrant, as well as cannot start an investigation without the permission of the court. The crimes of forgery, cheating, defamation, public nuisance, etc., fall in the category of non cognizable crimes. In this type of crimes, a criminal complaint is lodged with the Metropolitan Magistrate who is supposed to order the concerned police station to initiate an investigation the police officer is supposed to file the charge sheet with the court which is followed by a trial after the trial if the accused is found guilty the court passes the order to issue the warrant to arrest the accused of non-cognizable offense go easily नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिनको आईपीसी के फर्स्ट कैड्यूल में ये बोल दिया गया है कि ये जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं लोग वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल होते हैं और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस जो है वो एक्यूज को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है और पुलिस जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं कर सकती है बिना कोर्ट के परमिशन के और इसमें क्राइम्स को मेंशन किया गया है जैसे कि फोजरी चीटिंग डेफेमेसन पब्लिक न्यूसेंस ये जितने क्राइम्स हैं इस तरह के ये नॉन कॉग्निजिबल क्राइम्स में आते हैं जिनमें बेल दी जा सकती है और ये क्राइम्स जो हैं इसमें एक एक क्रिमिनल कंप्लेंट लॉज किया जाता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर को पुलिस स्टेशन में इनिशिएट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेंगे फिर जो मैजिस्ट्रेट है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जिनके पास क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की गई है वो पुलिस स्टेशन में ऑर्डर करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए उस केस की द पुलिस ऑफिसर इज़ सपोज टू फाइल द चार्ज शीट जो पुलिस ऑफिसर है वो चार्ज शीट फाइल करेगा कोर्ट में और उसके साथ साथ ट्रायल चलेगी और ट्रायल के बाद ये पता चलेगा कि जो एक्यूज है वो गिल्टी है या नहीं उसने वो स, उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया है और अगर वो एक्यूज गिल्टी है उसने वो क्राइम की है तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर पास करेगा वारंट देगा कि उसको अरेस्ट किया जाए जो एक्यूज है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द की एलिमेंट्स ऑफ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस नॉन कांग्नजल ऑफेंसेस आर दोज वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट इन सच ऑफेंसेज For arrest, all the steps have to be followed like filing of complaint or FIR, investigation, then charge sheet, charge sheets to be filed in court, then trial, then final order of arrest if case has been made out. Okay, so let's move on to a next slide, which is the difference between. Now, this offense is punishable with imprisonment for less than three years or with fine only. तो ये जो पनिशमेंट होते हैं जिनकी सज़ा तीन साल से कम होती है या जिसकी सज़ा सिर्फ फ़ाइन है तो वो ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजिबल होते हैं और बेलेबल होते हैं और जिनकी सज़ा तीन साल से ज़्यादा होती है तो वो केसेस जो होते हैं वो कॉग्निजिबल हो जाते हैं और नॉन बेलेबल हो जाते हैं तो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट ऑल दी पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड येट आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग Please like, share and subscribe my channel.